हाय फ्रेंड्स, तो लग रही है ना ये सब्जी एकदम लाजवाब सूखी मसालेदार सब्जी की बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस मसालेदार कुरकुरी अरबी फ्राई बनाने की रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक जरूर से दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर ये 1 किलो अरबी इस तरीके से काट कर तैयार कर ली है, जैसे हम रेगुलर आलू काटते हैं घर में। बस ये ध्यान रखना है आपको कि अरबी को पील करने से पहले इस तरीके से हाथों को तेल से ग्रीस कर लें, क्योंकि अरबी काटने से हर किसी इचिंग हो जाती है हाथ में। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ मसाले, जिससे हम प्रिपेयर करेंगे एक ड्राई स्पाइस मिक्स, जिसके लिए 1.5 चम्मच मैंने लिया है जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, ये 4-5 साबुत गोल लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारा ज़ीरा अच्छे से भुन नहीं जाता। और उसके बाद ठंडा हल्का सा इसको करके बस इसको हम पीस लेंगे, एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे इसका। हमें कोर्स सा स्पाइस मिक्स चाहिए जो कि अरबी पे आसानी से कोट हो सके। तो इसको निकाल लेते हैं एक सेपरेट बाउल में। सेम ब्लेंडर जार में मैं डाल रही हूँ ये 1.5 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, उसमें 3-4 आप डाल दें लहसुन की कलियाँ, और इसको भी हम पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें 3-4 टेबलस्पून तेल को गर्म करें और एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल फाइनली डाइस की हुई प्याज डाल दें। प्याज को इतना पकाएंगे हम कि हल्की सी सुनहरी हो जाए प्याज हमारी। थोड़े से इसमें डाल देंगे करी पत्ता, 1/4 चम्मच हींग, और जो हमने टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया हल्की सी प्याज पकाने के बाद। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अरबी, क्योंकि हम इसी टमाटर के मॉइस्चर में अब अरबी को पहले कंप्लीटली कुक करेंगे। तो अच्छे से ये कोट कर दिया, देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मिक्स कर देंगे। तो कोई भी आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी के अंदर अपना मॉइस्चर भी इतना होता है कि अगर आप उसे धीमी आंच पे पकाएंगे तो सब्जी अपने जो मॉइस्चर है उसी में पक जाती है। हमने यहाँ पर हल्का सा टमाटर का भी इस्तेमाल करा है और बस उसी में हम अरबी को पूरा गला लेंगे। जब तक अरबी हमारी सॉफ्ट नहीं होती, इस तरीके से आप इसको ढक्कन हटाएं और बीच में चला लें हर 3-4 मिनट बाद। 12-15 मिनट लगेंगे कुछ आपको धीमी आंच पर ये अरबी को सॉफ्ट करने में। तो वापस से मैंने इस तरीके से ढक्कन को ढक दिया है और इस तरीके से इसको चला लें। ये देखिए हल्का सा जब अरबी हमारी पकने लग जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें आखिरी में, जिससे कि हल्की सी क्रिस्प कोटिंग आ जाए अरबी पर। और फिर से ढक्कन ढक देंगे हम। तो ये अरबी मेरे को पकाते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं अरबी पे अच्छी सी क्रिस्प एक कोटिंग सी भी आ गई है और बहुत ही बढ़िया लग रही है ये देखने में बिना मसालों के ही अभी। तो हल्की सी इसमें अभी कसर नज़र आ रही है मुझे, तो इसलिए मैं एक बारी और इस तरीके से ढक्कन ढक के इसको पूरा सॉफ्ट कर लूँगी। तो ये देखिए अरबी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक कर हो चुकी है तैयार और बहुत ही लाजवाब ऑलरेडी लग रही है। पर अब हम इसमें डालेंगे जो हमने स्पाइस मिक्स प्रिपेयर करा था वो, और उसके साथ साथ इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और ये 1 चम्मच अमचूर डाला है मैंने इसमें। अगर आपको मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप ये लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने होल रेड चिलीज़ का ऑलरेडी इस्तेमाल करा है और काली मिर्च का भी इस्तेमाल करा है। तो अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये रेड चिली पाउडर आप इसमें ना डालें। अच्छे से कोट कर दिया हमने सारे स्पाइसेस इसमें और मसाले के साथ अब हम इसको पकाएंगे। तो ढक्कन ढक देते हैं और 2-4 मिनट इसको धीमी आंच पे मसाले के साथ हम और कुक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप अरबी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही लाजवाब दिख रही है।
एकदम सूखी मसालेदार कुरकुरी सी ये अरबी। तो बस आखिरी में अब इसके अंदर हम एक नींबू का रस इस तरीके से निचोड़ देंगे। वैसे तो इसमें हमने अमचूर डाला है, लेकिन लास्ट में जो नींबू हम इसके ऊपर डालते हैं उससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है। साथ में डालेंगे इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और आप चाहें तो दो साबुत स्लिट लगाकर, चीरा लगाकर हरी मिर्चों को इसमें डाल सकते हैं, जो मसाले में कोट होने के बाद बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पास ये लाल मिर्च है तो मैंने इसका इस्तेमाल करा है, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये आखिरी में मिर्ची जो डालती हूँ मैं अक्सर अपनी सब्जियों में, इसलिए डालती हूँ क्योंकि मसाले में कोट होके ये मिर्ची जो है एक तरीके से अचार की तरह काम करती हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी का मसाला है वो इसमें कोट हो जाता है और हल्की सी कुक हो जाती है ये। तो इसके साथ आपको कुछ और चीज़ सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब्ज़ी में मिर्ची नहीं करती हैं क्योंकि हम सिर्फ स्लिट लगा कर इसको डालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो अक्सर मैं अपनी सब्ज़ियों में करती हूँ कि आखिरी में चीरा लगा कर मिर्ची ऐड कर देती हूँ। तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना डालें। तो ये डिलीशियस अरबी की सब्ज़ी बहुत तरीके से खाई जा सकती है, या आप इसे घी लगी रोटियों के साथ खाएं, या पराठे के साथ खाएं, लंच बॉक्स में पैक करके ले जाएं, या एज अ स्नैक एज अ रोल बनाकर खाएं। बहुत तरीके हैं इसके इस्तेमाल करने के। इनफैक्ट आप थाली अगर सर्व करते हैं तो एज अ ड्राई सब्ज़ी इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। तो इतने सारे तरीके हैं, आप बनाएं इसे, खाएं और इन्जॉय करें। सिंपल सी इजी सी रेसिपी थोड़े से ट्विस्ट के साथ, बहुत ही लाजवाब बनकर आती है। डू ट्राई दिस वन आउट, और अगर आप इसे बनाते हैं तो ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी और कैसी बनकर आई आपकी ये रेसिपी। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।